दोस्तों क्लास 11th में कैसे एडमिशन ले, एएमयू के क्लास 11th एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग में इस 5 इजी टिप से आप कंपटीशन निकाल सकते हैं। अगर आपने सही से दिल से फॉलो किया तो ये 5 टिप्स आपको जरूर एडमिशन और दाखिला दिलवा पाएंगी। तो इस 5 जो टिप्स बताऊंगा सिर्फ देखना नहीं है, इसको अमल में लाना है, प्रैक्टिस में लाना है और इसको दिल से फॉलो करना है और दिमाग को ये ट्रेन करना है कि सिर्फ कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो एक बार कंपटीशन निकल गया उसके बाद तो बल्ले बल्ले ही रहेगा, उसके बाद इतनी तैयारी और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अपने दिमाग को दिल को बेवकूफ बनाइएगा और ये 5 टिप्स को अपने जीवन में उतारिएगा, यानी प्रैक्टिस में लाइएगा, अमल कीजिएगा। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, यानी खाकी ये जो बॉडी है, अपना बदन जो है, ना ये अच्छा है ना ही बुरा है। जो प्रैक्टिस करेंगे वही होगा, अच्छा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा प्रैक्टिस करेंगे तो बुरा होगा। नूरी या नारी मतलब अच्छा या बुरा है यहां पर, ठीक है, नर्मदा वाला नारी वाला नहीं है। तो नूरी या नारी है मतलब अच्छा है या बुरा है। तो दोस्तों चलिए आपको 5 टिप्स बताता हूं और आपकी तैयारी फिक्स करते हैं। पहला टिप्स है कि मेक इजी टाइम टेबल। अब इजी टाइम टेबल कैसे बनाए, मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको आई बटन पे दे दूंगा या एंड स्क्रीन पे, कि कैसे क्लास 11th एंड डिप्लोमा का टाइम टेबल बनाना है। मैंने क्या किया है, जैसे इंडो इस्लामिक कल्चर है, जीके है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है, इसको मैंने प्रॉपर एक एक सब्जेक्ट वाइज मैंने टाइम टेबल बना रखा है। तो अगर आप खुद से बनाते हैं तो वेल एंड गुड, माशाल्लाह है। अगर आप खुद से नहीं बना पाते हैं तो मैंने आपके लिए मेहनत करके टाइम टेबल बना रखा है, उसको वीडियो का जो लिंक है मैं आई बटन पे दे दूंगा। पहले पूरा वीडियो देखिए, 5 टिप्स देखिए, बाकी सबका जुगाड़ लेके आया हूं, आपका पक्का जुगाड़ तैयारी का है इस वीडियो में, पक्का जुगाड़ है, इधर उधर जाइएगा मत, ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलने वाला बहुत कम है। तो पहला तो इजी टाइम टेबल आपने खुद से बना लिया। अब क्या करना है, जब टाइम टेबल बन गया है तो जो आपने अभी तक आपको जो इजी लगता है उसको रिवाइज करना है, मतलब अभी तक जो भी आपको इजी लगा, जैसे आपको कुछ इजी लगता होगा लेकिन आपको दोस्त को कुछ और इजी लगता होगा, किसी को फिजिक्स इजी लगता है, किसी को केमिस्ट्री इजी लगता है, किसी को मैथ इजी लगता है, किसी को जीके, किसी को इंडो इस्लामिक कल्चर, आपको जो भी इजी लगता है उसको रिवाइज करना है। तो पहले आपने टाइम टेबल बना दिया और दूसरे में क्या किया, इजी टॉपिक को रिवाइज कर लिया। अब तीसरा जो टाइम टेबल है, यानी तीसरा जो टिप्स है, टाइम टेबल नहीं टिप्स जो है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब एमसीक्यू क्यों सॉल्व करना है, एमसीक्यू इसलिए सॉल्व करना है क्योंकि बहुत सारे थ्योरी ऐसे हैं अपने बुक में जहां से क्वेश्चन बनते ही नहीं है, तो वहां टाइम गंवा के कोई फायदा नहीं है, वहां पे बेअर्थ टाइम गंवा के फायदा नहीं, क्योंकि एक महीने में हमें टेस्ट निकालनी है तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे, एबीसीडी याद नहीं करना है, यहां पे लिखा है डिटेल सॉल्यूशन के साथ, किसके साथ, डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तो डिटेल सॉल्यूशन का मतलब यह है कि पहला का अगर बी आंसर आता है तो बी कैसे आया, कौन सा थ्योरी लगा, कौन सा फॉर्मूला लगा, कौन सा कंसेप्ट लगा, कौन सा ट्रिक लगा है, उस ट्रिक को सही से समझना, उस कंसेप्ट को, थ्योरी को, फॉर्मूले को सही से समझना है। यानी हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को क्या करना है, डिटेल सॉल्यूशन के साथ पढ़ना है, यूं ही नहीं, डिटेल सॉल्यूशन के साथ पढ़ना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हम अपने टीबीआईटी क्लासेस ऐप पे डिटेल सॉल्यूशन के साथ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। हमने 10 साल के हिंदी में क्वेश्चन पेपर डिटेल सॉल्यूशन के साथ सॉल्व किया, मतलब 10 साल के अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 11-12 करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि 10 साल में पूरा सिलेबस कवर होता है। जब 10 साल में पूरा सिलेबस कवर हो गया तो और ज्यादा टाइम बर्बाद करके क्या फायदा है। तो हमने 10 साल के अपने टीबीआईटी क्लासेस ऐप पे हिंदी में क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो जिनको हिंदी में लेना है टीबीआईटी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पे आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन सॉल्यूशन मिलेगा और हिंदी में भी मिलेगा। और इसके साथ साथ हजार हजार क्वेश्चंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के एक एक वीडियो है जो 8-8 घंटे का है, जो एक वीडियो से आपका पूरा फिजिक्स तैयार हो सकता है, पूरा केमिस्ट्री तैयार हो सकता है। इस हिसाब से आपका वीडियो अलग अलग टाइप के बना है, छोटा भी वीडियो है, बड़ा भी वीडियो है, स्टडी मटेरियल से सब चीज हमारे टीबीआईटी क्लासेस एप्लीकेशंस पे है। तो प्ले स्टोर पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन और दो टिप्स तो देख के जाइए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। चौथा टिप ये है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हमने तो बताया कि हमने अपने ऐप पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया है। वैसे आजकल गाइड आते हैं, जैसे आपके बूस्टर है, एएमयू बूस्टर है, कंसेप्टम गाइड है, और भी अलग जीएस क्लासेस का है, और भी बहुत सारे गाइड मार्केट में आते हैं। किसी भी 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। अगर आपको नहीं लेना है तो हमारे टीबीआईटी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। बस 5 टिप्स देखिए, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेस्ट बुक इंस्टेड ऑफ गाइड। गाइड में बहुत सारे ज्यादा गलतियां रहती है, बहुत सारे गलतियां रहती है, जिससे बच्चा, तो एक पढ़ाई तो बहुत मुश्किल है, ये बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, हम ही नहीं पढ़ना चाहते, हर इंसान पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि इंसान आसान काम करना पसंद करता है, जैसे एंजॉय करना, टीवी देखना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, व्हाट्सएप पे टाइम बिताना, इसमें मजा आता है, चाय पकौड़े खाना, केक खाना, पिज्जा खाना, ये सब मजा वाला काम ही दिमाग पसंद करता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि गलत बुक ही आपको मिल जाए तो आप कैसे काम करेगा, दिमाग नहीं काम करेगा और दिमाग खराब हो जाए, दिमाग का दही बन जाएगा, मन करेगा पढ़ाई ही छोड़ दो। तो आप अगर बेस्ट बुक पढ़ते हैं, बेस्ट बुक मतलब जिसमें एरर फ्री हो, जिसमें गलतियां ना हो, और मैटर को बहुत आसान तरीके से बनाया है, तो मैंने आपको और वो भी बुक बताया है, एस शांत की जो आती है, लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर का, एस शांत की, लखमीर सिंह मंजीत कौर का, उसमें क्या है कि हर चीज़ ना बहुत आसान तरीके से दिया है।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कम है, बायोलॉजी में ही एमसीक्यू है, लेकिन उसमें इतना अच्छे से बताया गया है कि बेस्ट बुक आपको जीवन भर काम देगी। ईशांत की बुक है, वो बुक अगर समय मिले तब पढ़िएगा, नहीं तो एक महीने में तैयारी करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज्यादा कीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कीजिए, जो अभी आप अभी तक आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, टाइम टेबल को जो बनाया है दिल से फॉलो कीजिए, लेकिन अगर समय हो तो ईशांत की बुक लखमीर सिंह मंजीत कौर का जरूर देखे जाइए। कम पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए। ये 5 टिप्स अगर आप दिल से फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपका कॉम्पिटिशन क्रैक हो जाएगा, भगवान करेगा अल्लाह करेंगे कि आपका कॉम्पिटिशन निकल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये 5 टिप्स दिल से फॉलो करेंगे, सिर्फ वीडियो देख के दूसरा वीडियो ना देखेंगे, वीडियो देखेंगे और अभी जाकर टाइम टेबल बनाएंगे या हमारा जो वीडियो टाइम टेबल का ये देखेंगे, TBIT क्लासेस ऐप को डाउनलोड करेंगे और 5 ये टिप्स से दिल से फॉलो करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों यारों को फैमिली मेंबर्स के इस वीडियो को शेयर तो कीजिए, उनको भी पता चले तैयारी करने का फॉर्मूला सीक्रेट, उनका भी फायदा होगा आपके इस शेयर से, तो आपको नेकी और पुण्य भी मिल सकता है। तो अच्छा काम कीजिए, आसपास में आप लोग प्यार मोहब्बत बांटते रहिए, नफरत को घटाइए प्यार को बढ़ाइए और तैयारी भी करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय AMU।